हाय फ्रेंड्स, हम कभी कभी किसी ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि जब हम काम स्वयं नहीं करते हैं और उस काम को हम किसी दूसरे के माध्यम से करवाते हैं। इस प्रकार से एक ही काम को करने के लिए दो कर्ता दिखाई देते हैं और ऐसे काम को करने के सेंस को कॉजल सेंटेंसेस कहते हैं। कॉजल माने कारण संबंधी वाक्य। और उस कारण संबंधी वाक्यों को व्यक्त करने के लिए चार शब्द होते हैं जिनके माध्यम से हम इस प्रकार के विचार को, भावों को व्यक्त करते हैं। उन्हें कॉजेटिव्स कहा जाता है, कारण संबंधी शब्द, कारण संबंधी शब्द। और वो कारण संबंधी शब्द हैं मेक, कॉज, गेट और हैव। मतलब काम स्वयं ना करके किसी के माध्यम से करवाया जाता। काम स्वयं ना करके किसी दूसरे से करवाया जाता है, किसी दूसरे से करवाया जाता है। इसे, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम कॉजल सेंटेंसेस बोलते हैं। अब जैसे एक शब्द हम लेते हैं, मैं अपने मित्र से नोटबुक में मैं चित्र बनवाता हूँ। मैं अपनी कॉपी में मैं स्वयं नहीं बनाता हूँ, बल्कि वो चित्र मैं किसी अपने मित्र से बनवाता हूँ। इस वाक्य को व्यक्त करने के लिए हम चारों शब्दों का प्रयोग करते हुए सेंटेंस को बना सकते हैं। लेकिन चारों की अलग, दो की अलग स्थिति होती है और इन दो की अलग स्थिति होती है। ये दो एक प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं, ये दो एक प्रकार से किए जाते हैं। अब हम चारों, इस एक ही सेंटेंस को हम चार सेंटेंस में बनाएंगे। आई मेक माय फ्रेंड ड्रा ए पिक्चर इन माय नोटबुक, मेक का प्रयोग हो गया। दूसरा आई कॉज का प्रयोग करेंगे। कॉज मीन्स कारण, दूसरा शब्द है। आई कॉज माई फ्रेंड टू ड्रा ए पिक्चर इन माई कॉपी, इन माई नोटबुक। तीसरा हम गेट का प्रयोग करते हुए बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या परिवर्तन आ रहा है। यहाँ कॉज का प्रयोग हुआ और इसमें टू का प्रयोग होगा। देखिए, मेक के साथ वर्ब के पहले टू नहीं लगा है, इसको हम बेयर इन्फिनिटिव मानते हैं। लेकिन कॉज के साथ टू लगाना पड़ेगा, ये बेयर इन्फिनिटिव नहीं है। कॉज के साथ वर्ब के पहले टू लगाना पड़ता है। आई गेट ए पिक्चर drawn in my notebook by my friend। ध्यान दीजिए, यहां पर get लगा और इसमें verb की third form है। make और cause में verb की first form है, draw, draw, और यहां drawn आया है। इसी तरह से आई हैव, हैव का प्रयोग हुआ। ए पिक्चर ड्रॉन इन माई कॉपी, इन माई नोटबुक बाय माई फ्रेंड।
अब बाई का प्रयोग हमने देखा है कि पैसिव वॉइस में किया जाता है, अर्थात ये दोनों सेंटेंसेस ये पैसिव वॉइस में लिखे गए हैं, ये पैसिव वॉइस में, अर्थात जब हम गेट और हैव का प्रयोग करेंगे तो सेंटेंस को हमें पैसिव वॉइस बनाना पड़ेगा। इस प्रकार से हमने एक सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का लिया है। मैं अपने मित्र से नोटबुक में चित्र बनवाता हूं। अब हम एक सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का लेंगे, पास्ट टेंस का लेते हैं, अध्यापक ने, दूसरा वाक्य, अध्यापक ने कक्षा में विद्यार्थियों से एक निबंध लिखवाया, निबंध लिखवाया, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, लिखवाया लिखवाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और लिखवाया पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अब चारों का प्रयोग करते ही इसमें बनाएंगे, टीचर मेड, मेक का सेकंड फॉर्म आ जाएगा, मेड, दूसरा सब्जेक्ट है द स्टूडेंट्स, मेड द स्टूडेंट्स राइट, लिखना एन एसे इन द क्लास, मेक के साथ राइट का फर्स्ट फॉर्म, लेकिन यहां पर टू नहीं आया। अब दूसरा देखेंगे जिसमें कि कॉज का प्रयोग करना है, टीचर कॉज्ड द स्टूडेंट्स, कॉज्ड द स्टूडेंट्स टू राइट, यहां ध्यान देंगे, इस पार्ट को नोटिस करेंगे, यहां वर्ब के पहले टू लग गया, इसका मतलब इन्फिनिटिव बन गया, एन एसे इन द क्लास। फर्स्ट सेकेंड थर्ड, अब गेट का प्रयोग करते हुए, टीचर गॉट एन एसे रिटन बाय स्टूडेंट्स इन द क्लास, बाय स्टूडेंट्स, ये पैसिव वॉइस हो गया, गॉट आया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, टीचर हैड, पास्ट टेंस है हैव का, हैड एन एसे, एसे रिटन, हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, रिटन बाय स्टूडेंट्स इन द क्लास। ये दूसरे प्रकार का सेंटेंस अर्थात दूसरे टेंस का वाक्य है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन केवल इसमें मेड का प्रयोग हो जाएगा, यहां सॉरी टीचर मेड लिखना था, यहां मेड द स्टूडेंट्स, मेड पास्ट टेंस में है। तीसरा हम फ्यूचर टेंस का एक वाक्य लिखते हैं, पिताजी नौकर से बाजार से सब्जियां मंगवाएंगे, मंगवाएंगे। अब चारों कैसे लिखेंगे हम, चारों वर्ड्स का प्रयोग करते हुए, फादर, अब ये फ्यूचर टेंस में है तो हमें निश्चित रूप से विल या शैल लगाना पड़ेगा, फादर विल, मेक का प्रयोग करना है, मेक द सर्वेंट, सर्वेंट ब्रिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट,
इसी तरह से हम कॉज का प्रयोग करेंगे, फादर विल कॉज द सर्वेंट टू ब्रिंग, कॉज के लिए टू ब्रिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट। कॉज और मेक का प्रयोग एक जैसा होता है जैसा। अब इसके बाद तीसरा प्रकार का वाक्य जो कि हम पैसिव वॉइस में इस प्रकार के वाक्य को बोलते हैं, फादर विल गेट वेजिटेबल्स ब्रॉट BROUGHT ब्रॉट फ्रॉम मार्केट बाय सर्वेंट। बाय पैसिव वॉइस भी आता है। फोर्थ, फादर विल गेट के स्थान पे हैव वेजिटेबल्स ब्रॉट फ्रॉम मार्केट बाई सर्वेंट, बाई द सर्वेंट। इस प्रकार से हमने तीनों टेंसेस में मेक, कॉज, गेट और हैव का प्रयोग करके देख लिया। अब हमें इसको, इसके नियम को जानना समझना है कि किस प्रकार से कौन सा कर्ता, कौन सा कॉजेटिव किस स्थान पर प्रयोग किया जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, मेक और कॉज का प्रयोग एक जैसे होता है। तो रूल ये, पहले तो मेन सब्जेक्ट होगा, मेन सब्जेक्ट प्लस मेक या कॉज, इसीलिए इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, कॉज प्लस सेकेंड सब्जेक्ट जिसने काम को किया है, प्लस वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, और प्लस ऑब्जेक्ट। इन दोनों के लिए एक प्रकार का सेंटेंस बनाएंगे, लेकिन इसमें वर्ब और इसमें वर्ब के पहले टू का प्रयोग भी हो जाएगा। टू कॉज के लिए टू का प्रयोग होगा, मेक के लिए टू का प्रयोग नहीं होगा। इसीलिए इस ब्रैकेट को हम इस ब्रैकेट दूसरे वाले ब्रैकेट के सामंजस्य करके लिखेंगे। दूसरा नियम है जो कि इन दोनों कॉजेटिव्स को एक साथ एक समान सेंटेंस बना के लिखते हैं। तो सबसे पहले मेन सब्जेक्ट जिसने काम को करवाया है, प्लस गेट और मे हैव, मे गेट और हैव प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये पहले आ जाता है ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट जो यहाँ बाद में था वो यहाँ पे पहले आ जाता है दूसरे वाले वर्ब के तुरंत बाद, गेट के तुरंत बाद है वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस V3 ऑब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय सेकेंड सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट जिसने काम को किया हुआ है। ये दोनों नियम हम दो भिन्न भिन्न स्थितियों को व्यक्त करने वाले चार शब्दों के माध्यम से हम व्यक्त कर सकते हैं। इसमें मेन सब्जेक्ट, और जैसा कि हमने पहले कर लिया है,
तो ये कॉजिटिव्स में एक सेंटेंस और हम लिखते हैं, मेरे संबंधी ने मुझसे सामान मंगवाया, मेरे संबंधी ने, हालांकि पास्ट टेंस में है, चारों से वाक्य बना देंगे, माई रिलेटिव, माई रिलेटिव मेड मी ब्रिंग द आर्टिकल्स, सामान आर्टिकल्स, मेड मी ब्रिंग द आर्टिकल्स, मुझसे सामान मंगवाया। दूसरे को लिखेंगे माई रिलेटिव कॉज्ड मी टू ब्रिंग दे आर्टिकल्स। गेट का प्रयोग करेंगे, माई रिलेटिव, जब गेट लगा देंगे तो गेट के लिए हमने देखा गेट के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या है, द आर्टिकल्स, गेट दी आर्टिकल्स। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रॉट, बाय सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है, मी, ब्रॉट बाय मी, मुझसे मंगवाई, मेरे संबंधी ने मुझसे मंगवाई, तो ये मेरे द्वारा हो गया। और चौथे प्रकार का, इसी प्रकार का वाक्य होगा, माई रिलेटिव सॉरी गॉट यहां लिखेंगे क्योंकि ये पास्ट टेंस में है, गॉट, जैसे यहां मेड आया है, कॉज्ड आया है, यहां गॉट आएगा, यहां हैड आएगा, माई रिलेटिव हैड द आर्टिकल्स ब्रॉट बाई मी। ये छोटा सा पार्ट ग्रामर का है जिसे हम कॉजेटिव्स के नाम से जानते हैं, और इस प्रकार से हम प्रैक्टिस करके और ऐसे बोले जाने वाले शब्दों की स्थितियों को स्पष्टता के साथ प्रकट कर सकते हैं। और ये जितना आप सेंटेंसेस बना के लिखेंगे उतना ही आपको इसके ऊपर कमांड हो जाएगा, एंड यू विल नॉट फाइंड योर सेल्फ इन डिफिकल्टी इन फ्रेमिंग द सेंटेंसेज लाइक दिस। और इस तरह से हम प्रायः जो अपने स्पीकिंग में शब्द होते हैं, इन शब्दों के माध्यम से उन भावों और विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।